भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है गोरक्षा पीठ की परंपरागत सीट से प्रत्याशी बनाए जाने से रवि किशन खासे उत्साहित हैं। उन्होंने यूपी में बीजेपी के चौहत्तर सीटें जीतने का दावा किया रवि किशन से बात की हमारे संवाददाता दिनेश त्रिपाठी ने अप्रैल महीने में मौसम गर्म हो रहा है उसी तरह राजनीति में भी रोज पार्टी राजनैतिक दलों ने करवटे लेना शुरू कर दिया गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से भोजपुरी फिल्म को सुपर स्टार रवि किशन को पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है रवि किशन जी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं और टीवी 24 की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि रवि किशन जी को गोरखपुर जैसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया त्रिपाठी बाबा के धन्यवाद जय हो पहले इनके धन्यवाद देव की अला हमसे बती ओला का अलब <laughs> <laughs> रवि जी गोरखपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से आपको पार्टी ने प्रत्याशी बन, बनाया कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा एक बार मोदी जी योगी जी के और संगठन के हम धन्यवाद देव कोटी कोटि नमन करब कि ऐसा प्रसाद हमको मिला है मैंने सोचा नहीं था जेनुनली हम बताएं आपको आपके दर्शकों को हम बताते हैं भगवान की कसम महादेव की कसम हमको नहीं मालूम था कि हमको गोरखपुर मिलेगा हमको लगा था कि बात होता रहे यार बार देवरिया मिली ना तो जौनपुर मिल जाएगी है ना जौनपुर देवरिया में हम सोचते रहे कि हम बोले बहुत बहुत तो भदोही मिल जाए ये प्रसाद देंगे संगठन हमको प्रधानमंत्री जी योगी जी ये प्रसाद देंगे ये सोचा नहीं था ये सम्मान मिला है अब बस पूरे गोरखपुर के धरती के हम गोड़ छू के प्रणाम करा और संघे बोलब कि हमके जो नहीं प्रसाद और आशीर्वाद मिलल लाज रख लिया उन्नीस मई को वहाँ चुनाव है गोरखपुर में मैं सबके द्वारा आने की कोशिश करूंगा भैया कौन द्वार गांव बज गए वही तो क्षमा कर दिया हमके गोरक्षनाथ मंदिर से योगी जी का आदेश बांटे कि सब द्वारे जाना होटल में नहीं रहना घर से राजनीति करना को आवाज देख लेना वार और वहां से तुम सबसे मिलना जिस तरह जिस तरह मुझे पूरा गोरखपुर लाखों की वोट से जिता के प्यार देता था आशीर्वाद देता था वही आशीर्वाद तुमको मिलेगा लेकिन बशर्ते पूरे गोरखपुर से तुमको रवि किशन मिलना है जाके रवि जी एक तरफ जहाँ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो क्षेत्रीय दल धुर विरोधी रहे वो एकजुट हो गए उनका एकजुट है और दूसरी तरफ मोदी जी का एक इकलौता चेहरा है आपके सामने और उपचुनाव में आपने गोरखपुर सीट हार गई थी ऐसी सीट से आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है क्या लगता है आप ऐतिहासिक जीत होगी छोटा मोटी गड़बड़ हो गई रहे हो गड़बड़ हो गई थी थोड़ा सा लोग बस्ता लेके बूथ पर नहीं पहुंचे थे कार्यकर्ता थोड़े यहां वहां हो गए थे ऐतिहासिक जीत होगी सब लोग सोचे थे जीत जाएंगे इतने साल थोड़ी सी गलती हो जाती है मनुष्य गलती करता है हम भी चुनाव लड़ लिए थे कांग्रेस से थोड़ा सा कार्यकर्ता और संगठन थोड़ा सा वहां पे चूक गया था ऐतिहासिक जीत होगी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में चौहत्तर पार होगा गोरखपुर का का जहाँ बोलेगे पार्टी अब मैं संगठन का आदमी मैं मोदी मैं जी का चौकीदार हूँ जहाँ भेजेंगे चौकीदार को चौकीदारी राजनीति में सपा बसपा गठबंधन एकजुट हो गए हैं और वो अड़तीस अड़तीस सीटों पे लड़ रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम चौहत्तर प्लस सीटें जीतेंगी गलत कहां बोले सही बोले अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है सोचिए उनकर बुद्धि और उनकर जमीनी सोच किसान से लेके गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा सब जात का सोच इतना योजना है ना इतना कार्य किए हैं मोदी जी उस कार्य के ताकत पर उनको है ना सब कुछ हो पाएंगे देखिएगा ना निस्वार्थ कार्य लोग भर भर के दिए जो ऐसा सोचे नहीं थे 130 करोड़ की आबादी को संभाल के चलना एक लीडरशिप के अंदर एक फ्लैग के नीचे। आप आप इंडस्ट्री में शूटिंग में सबको सब बोल दिए शूटिंग वाले के बोल दिया हरा हर महादेव भुला जा हमके हम, हम जाते अभी देश सेवा में जाइ गांव देहात का सेवा कर अब, बोल दिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के फोन कह दिया क्या माला महादेव 600 सौ पिक्चर कर लिए अब देश की सेवा करने दो बिचवा में बहुत किसी को बहुत हमारे बीच तड़प हो जाएगी कि जो कोई जान दे देगा कि नहीं भैया शूटिंग तो चाहिए आप चाहिए बोलेंगे आ जाओ गोरखपुर वहरा शूटिंग कर जाए वहरा बहुत सुंदर सुंदर जगह है सब गोरखपुर के लड़के बच्चे लोग को काम दिया जाएगा रोजगार मिलेगा वहाँ पे शूटिंग होगी पैसा लोग कमाएंगे है तो रोजगार का माध्यम है ना सिनेमा इंडस्ट्री कितना पैसा देता है, पता है आपको अगर एक स्टूडियो स्टूडियो हम गोरखपुर के पास लगा देते हैं फिल्म स्टूडियो, कितने लाखों लोगों को वोट पैसा मिलेगा वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ मंदिर के मठाधीश से आज आपने आशीर्वाद लिया उन्होंने क्या सजेशन दिया आपको घर घर जाना रवि कोई सेल्फी खिंचाते हुए छू दे तो बुरा नहीं मानना भीड़ को छूने देना अपने आप जॉन तुम जॉन पकड़ और खाना अपना बांध के नहीं ले जाना सबके घर जाके खाना तीन दो तीन बार ही बार बार बोले दुआरे जाना और सबके घर खाना जहां भूख लगे हर बिरादरी में जाना छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी सब जगह जाना